हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टेक अर्मेनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन का जो बेस है, जो मेजर सपोर्ट है वो कहाँ तक रहने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक डंप होने वाला है। क्योंकि गाइस अभी देखिए मार्केट में, अगर हम मार्केट की बात करें तो BTC अभी कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो गाइस बहुत सारे जो यहाँ पे नए नए जो इन्वेस्टर्स हैं, नए नए ट्रेडर्स हैं, एज ए न्यू ट्रेडर जिनको नॉलेज नहीं है बिटकॉइन का, वो तो पूरी तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको बिटकॉइन का मूवमेंट, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन पता है, उनको यहाँ पे इन बातों का अंदाज़ा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस है, पास्ट की इन्फॉर्मेशंस क्या क्या रही है और आगे क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो करना चाहिए आपको, कौन से मूव्स आपको इम्पोर्टेंस है जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का एक ट्रेंड बन रहा है, मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको कौन से ट्रेंड फॉलो करना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आगे जा करके आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे। तो लास्ट में इस बारे में बात करेंगे। पूरी तरह से जो वीडियो है एनालिसिस बेस्ड है, पूरी तरह से हमने हिस्ट्री और आगे के जो यहाँ पे आने वाली अपडेट्स है उसको कवर अप किया है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं BTC का, यहाँ पर हमने मेजर सपोर्ट के बारे में पूरी तरह से आपको सेटिस्फाइड कर देने तक हम यहाँ पे पूरी तरह से जो एनालिसिस हमने लेकर के आया, पूरा तरह से जो डाटा मेरे पास है, आप चाकर करके दंग रह जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि BTC एक पैटर्न फॉलो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। BTC एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये आप जान जाइएगा इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। तो गाइस यहाँ पे अभी देखिए, तो BTC अभी जो प्राइस चल रहा है लगभग $20,000 के करीब में अभी चल रहा है, ये यहाँ पे $20,000 के करीब में अभी प्राइस इसका चल रहा है। और ये हम जब वीडियो बना रहे हैं ये है अगस्त मंथ 2022 की। तो गाइस आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बात करने से पहले यहाँ पे आपको ले जा रहे हैं, जब इसका प्राइस यहाँ पे लगभग $10 के करीब में हुआ करता था तब से हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2012 में क्या हुआ, 2012 में यहाँ पे फर्स्ट हाल्विंग बिटकॉइन का हुआ। फर्स्ट हाल्विंग की बात करें तो 2012 में जब यहाँ पे बिटकॉइन का फर्स्ट हाल्विंग हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 2013 में एक यहाँ पे बुल आया, 2013 में एक बुल रन आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 में एक बुल रन यहाँ पे आया है बिटकॉइन का। फिर देखिए नेक्स्ट हाल्विंग 2016 में हुआ, 2016 के बाद देखिए 17 में यहाँ पे जो एक अच्छा खासा यहाँ पे बुल रन देख सकते हैं। और ये कितने का है ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको मैं बता दूं कि बिटकॉइन का जो यहाँ पे हाल्विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रति 4 साल पर हाल्विंग होता है। इसको लेकर हमने एक स्पेशल वीडियो बना करके रखा है, क्या होता है, क्यों होता है, उससे क्या बेनिफिट है, इसमें भी थोड़ा बहुत आप ग्लिम्स देंगे। यहाँ पे देखिए 2012 में $10, 2013 में BTC का प्राइस यहाँ पे बुल रन में था और इसका प्राइस सीधे यहाँ पे देख सकते हैं $1,100 को क्रॉस कर दिया। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा पंप यहाँ पे BTC ने दिया, क्यों दिया इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखते रहिए, जैसे जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे 2014 में फिर से बियर मार्केट आया, मार्केट डाउन गया और लगभग यहाँ पे मार्केट $160 से ऊपर यहाँ पे मार्केट मूव किया। फिर भी ये देखिए 2012 का जो $10 का जो प्राइस था और 2013 में लगभग $60 के करीब में जो यहाँ पे ATL था ऑल टाइम लो, उससे भी ऊपर मार्केट रहा देख सकते हैं। लेकिन ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड गया, बियर मार्केट चला। फिर 2017 की बात करें, 2017 में यहाँ पे BTC देख सकते हैं लगभग फिर से मार्केट इसका पंप किया, $19,500 के करीब में मार्केट इसका गया। और ये मार्केट देख सकते हैं, मार्केट जो इसका 2016 में हाल्विंग हुआ था, यहाँ पे हाल्विंग जो यहाँ पे हुआ 2016 में होता है हाल्विंग पॉलिसी बिटकॉइन के माइनिंग एल्गोरिदम में लिखा हुआ है, उसमें इसका पूरी तरह से जिक्र किया गया है और उसमें बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन को काउंटर एक्ट करने के लिए, जो महंगाई है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग है, ये अल्गोरिदम बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का जो अभी इन्फ्लेशन है वो BTC का इन्फ्लेशन 2% यहाँ पे है, जबकि आप बात करें तो एनुअल जो इन्फ्लेशन सो CPI का भी है, CPI इंडेक्स के थ्रू आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अभी भी 9% से भी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी खासी खबर है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पे क्रिप्टो एनालाइजर है वो उनका ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छा खासा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये भी बात किया जाता है हाल्विंग के समय कि हाल्विंग एक और यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट है। और एक और एल्गोरिदम हाल्विंग में जो मेंशन किया गया है बिटकॉइन के वाइट पेपर में वो ये है कि यहाँ पे जो अगर कभी मार्केट जैसे हाल्विंग होता है तो हाल्विंग के नेक्स्ट ईयर मार्केट का पंप करने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, 90% मोर देन कह सकते हैं। अगर इसका अगर यहाँ पे डिमांड नहीं भी रहता है, डिमांड नहीं भी देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड रहता है तो यहाँ पे मार्केट का जो है वो ग्रोथ होता है। लेकिन मार्केट में अगर डिमांड नहीं भी रहे बिटकॉइन का तो भी गाइस जहाँ पे जो यहाँ पे मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस पंप, प्राइस ग्रोथ वो मिलेगा देखने, ये बिटकॉइन का एल्गोरिदम में फिक्स एल्गोरिदम में मेंशन है। लेकिन और कहीं केस में देखें तो आपको ये नहीं है कि बिटकॉइन का मार्केट डाउन जा रहा है, अब क्या होगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, तो मार्केट कहाँ तक मैक्सिमम डाउन जा सकता है ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक वीडियो हमने बता करके रखा है कि बिटकॉइन
इथेरियम, बीएनबी और जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज है वर्सेस यहाँ कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स है, जैसे कि एप्पल्स का शेयर हो गया, जैसे इंक कंपनी का शेयर हो गया, यहाँ पे एनवीडिया का शेयर हो गया, टेस्ला का शेयर हो गया, इन लोगों ने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, कितना ज़्यादा लॉस दिया है, और वर्सेस हमने बिटकॉइन और बीएनबी इन सभी टोकन्स के बारे में भी कंपेयर किया है। उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपको रियली भी पता चलेगा। फिर देखिए यहाँ पे 18 में मार्केट यहाँ पे देखिए डंप किया, मार्केट 2018 में डंप किया है और ये मार्केट डंप करके $31-80 के करीब में आ गया है। तो देख सकते हैं ये फिर से डंप मिला, फिर एक पंप मिला यहाँ पे हल्का फुल्का, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को एक ग्रोथ मिला। फिर यहाँ पे 2022 में एक मेजर यहाँ पे डंप मिला, देख सकते हैं 2020 में मेजर डंप यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, और ये जो 2020 का है ये लगभग $5,000 तक मार्केट को लेकर के चला गया है। फिर मार्केट देखिए 2021 की बात करें, ये दो यहाँ पे पंप देखने मिल रहे हैं आपको, जैसे 2017 में देखिए यहाँ पे दो पंप देखने मिल रहे हैं, मेजर पंप देखिए एक इनिशियल 2017 के इनिशियल फेज में, जब से कि क्वार्टर फर्स्ट हो गया और ये क्वार्टर थर्ड हो गया इस तरह करके। फिर देखिए यहाँ पे 2021 में बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मेजर पंप मिला है और ये यहाँ पे इस प्राइस को देख सकते हैं लगभग $56,000 तक यहाँ पे लेकर के मार्केट को गया है यहाँ पे देखिए 2021 का ये। फिर देखिए 2021 का ही जो लास्ट रहा है दिसंबर, उसमें ATH को टच किया है, लगभग $68,000 को ही देखिए क्रॉस कर गया। तो ये ATH रहा है, ये ATH 2021 में जो बना था। फिर मार्केट क्या हुआ, तो मार्केट फिर से धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू किया और मार्केट अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डंप करके मार्केट लगभग 20,000 पे चल रहा है। वो अब देखिए यहाँ पे अब मेजर गेम क्या है वो समझने का यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि मेजर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैजिक मिलने वाला है और यहाँ पे इस मैजिक का लॉजिक भी हम देने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2012 में प्राइस $10, 2013 में $1,130, 2016 में $500, 2017 में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2024 में प्राइस क्या रहने वाला है, 2025 में प्राइस क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए 2013 की बात करें तो 2013 एक बुल रन था, यहाँ पे 2013 में बुल रन था क्योंकि 2012 में यहां पे फर्स्ट हालविंग हुआ था। और यहां पे सबसे मेजर बात है कि यहां पे देखिए प्राइस उस समय यहां पे बुल रन में $1,130 गया था, और मैं बता दूंगा आपको कि 2013 में हालविंग का प्राइस लगभग एक जो माइनिंग होता था, एक हालविंग वहां पे एक माइनिंग जो BTC का एक माइनिंग होता था उसका फी लगभग $550 हुआ करता था जब 2012 में, यहां पे 2012 की बात हो रही है। तो देख सकते हैं अभी जब बात करें तो एक माइनिंग का जो एक BTC का माइनिंग होता है उसका प्राइस देख सकते हैं इसका, और यहां पे मार्केट अभी कितना है तो इसका डबल है। अभी बात करें तो यहां पे जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि अभी का सिनेरियो देखिए तो अभी का माइनिंग का फी है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो माइनिंग का फी अभी लगभग यहां पे 13,000 यहां पे फी है। और ये फी मतलब क्या होता है, माइनिंग का फी मतलब कि माइनिंग में जो कॉस्ट होता है, जैसे कि माइनिंग में एनर्जी कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे लगता है, उसमें माइनिंग के लिए वर्कर्स लगते हैं, माइनिंग की फीस होती है, माइनिंग के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सबों का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन 2013 में जब बुल रन था तो प्राइस यहाँ पे देखिए इतना रहा, और 2014 में बियर मार्केट आया तो प्राइस देखिए कितना टाइम्स लगभग यहाँ पे देखिए तो लगभग 7 टाइम मार्केट यहाँ पे डंप गया, मार्केट डाउन गया। यहाँ पे देखिए मार्केट क्रेश आपको देखने मिल रहा है, बिग क्रेश यहाँ पे देखिए। फिर 2017 की बात करें तो प्राइस यहाँ पे बुल रन रहा और 2016 में हालविंग हुआ, यहाँ पे हालविंग हुआ, एक हालविंग यहाँ पे हुआ और ये सेकंड हालविंग था, मार्केट फिर से डाउन गया। और देखिए 2018 में मार्केट यहाँ पे लगभग यहाँ पे 6 टाइम यहाँ पे डाउन आपको देखने मिल रहा है, 6/18 6 टाइम लगभग यहाँ पे देखिए। अब 2021 में बात करें तो ये देखिए एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे आपको एडवर्स सिचुएशन देखने मिल रहा है। तो अगर ये पैटर्न यहाँ पे BTC एक्चुअल में फॉलो कर रहा है अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो प्राइस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 2022 में, ये चांसेस क्योंकि मार्केट अभी डाउन जा रहा है तो कितना तक डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखिए अगर अर्थमेटिक हम लोग प्रोग्रेशन AP फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 5x डाउन जाना चाहिए मार्केट को। तो देख सकते हैं ये है पिछला पास्ट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे BTC का प्राइस यहाँ पे 5 टाइम फॉल डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना प्राइस रहने वाला है लगभग 17,000 समथिंग, तो $17,500 मान सकते हैं कि इतना प्राइस यहाँ पे, इससे ज़्यादा मार्केट नहीं जाएगा। अब एक और सिनेरियो बन सकता है कि इससे ज़्यादा डाउन जाए, तो गाइस ऐसा इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का जो माइनिंग का फी है, माइनिंग उससे बिटकॉइन प्राइस डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि जितना फी रह रहा है तो गाइस फिर अगर मार्केट उससे डाउन जा रहा है तो फिर BTC का फायदा ही क्या है, लोग इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे तो शून्य हो गए, इन्वेस्टर तो है ही नहीं, लेकिन इन्वेस्टर्स BTC के हैं और मार्केट में इसका डोमिनेंसी मोर देन 35% अभी देखिए 39% करीब में मार्केट डोमिनेंसी है, मार्केट क्रिप्टो मार्केट में टोटल BTC का हमारे डोमिनेंसी लगभग 39% अप्रॉक्सीमेटली 40% है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट का अगर ज़्यादा क्रेश होता है, मार्केट अचानक से डंप होता है, सारा सिचुएशन खत्म, सब चीज़ खत्म, तो भी मार्केट यहाँ पे $13,000 के करीब में रहने वाला, इससे मार्केट डाउन कभी जा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब रेयर केस हो गया जो कि एग्जिस्ट
नहीं करता है ऐसा चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चांस है कि यहाँ तक मार्केट डाउन जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये मेजर स्टेप, क्योंकि गाइस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि गाइस हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया लेकिन अभी आपको करना क्या चाहिए ये स्टेप हमने नहीं बताया। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको तीन चार स्टेप लेना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में एक अमाउंट रखना चाहिए, क्योंकि गाइस मार्केट अगर डीप जाता है तो आपको एक डीप में एंट्री मिले, क्योंकि गाइस जहाँ पे डीपेस्ट में अगर आपको एंट्री लेना है तो वो चांसेस कम है, लेकिन एक अच्छा खासा डीप में एंट्री लेने का चांस आपके पास रहेगा अगर आपके पास आपके अकाउंट में आपके पोर्टफोलियो में बचा हुआ है सेस बैलेंस। तो इसलिए आपको इसके लिए सेफ रखना चाहिए बैलेंस। दूसरा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए BTC बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। अगर 2025 की बात करें तो जब मार्केट यहाँ पे बुल आएगा तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह जो इसका मार्केट यहाँ पे जिस तरह पंप कर रहा है तो इसके चांसेस है कि ये $1,00,000 से भी ऊपर आराम से ये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गाइस अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी ये जैसे कि एक तो आपको पोर्टफोलियो में अपना बैलेंस रखना चाहिए बचा करके, दूसरा कि अभी देखिए बहुत सारी ऐसे अल्ट कॉइन्स मीम्स कॉइन्स आ रही हैं जिसका अच्छा खासा यहाँ पे अभी ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि गाइस उसमें कुछ जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो प्रोजेक्ट अभी देखिए तो कहीं बहुत अलग अलग जगह पर इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा कोलेबोरेशन कर रहा है जिसके कारण उसका मार्केट हाई मिलता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स छोटे छोटे मीम्स कॉइन्स में आप लोग 2x 3x 10x 50x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, जैसे सीबाइनो हो गया, बहुत सारी कॉइन्स ऐसे आ रहे हैं। वहीं पे देखिए तीसरा क्या करना चाहिए, अभी मेटा का यहाँ पे अभी देखिए तो इरा चल रहा है, तो मेटा में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए और मेटा टोकन्स पर फोकस करना चाहिए। और वहीं पर देखिए इथेरियम की बात करें तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है, इथेरियम और BNB ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको कंटिन्यूस बेसिस पर पैसे दे रहे हैं, तो इन पर आपको फोकस थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो ये अभी आपको जो स्टेप्स है मेजर स्टेप वो लेने चाहिए। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने बहुत सारी वीडियोज़ बना करके रखा है कि जैसे पॉलीगन मैटिक का प्राइस 2025 तक का कितना रहने वाला है, 2030 तक कितना जाने वाला है, और सारी वीडियोज़ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।